सो हेलो गाइस, कैसे आई हो आप लोग? क्या आप लोग अच्छे होंगे? सो गाइस, अभी हार्दिक शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट किया था कुछ इस तरह का, देसी बॉय वाले सॉन्ग पे। यहाँ पर देख रहे होंगे इस वीडियो में आपको यहाँ से क्लोज ट्रांजिशन भी हो रहा है, साथ ही आपको वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन दिख रहा है। सो गाइस, इस तरह कैसे वीडियो बनाना है आज की वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो इसके लिए गाइस, आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इसी वीडियो में आपको मैं बताना हूँ कैसे आपको वीडियो शूट करना है, कैसे एडिट करना है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आज का वीडियो को लाइक हम रखते हैं 4000 लाइक, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके अल्प क्लिक कर दें। सो गाइज, लेट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैमरा ओपन करके आपको फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो आपको कुछ इस तरह का ऐसे शूट कर लेना होगा। इसके बाद आपको थर्ड और फोर्थ वीडियो शूट करने के लिए आपको कुछ इस तरह का ऐसे कपड़े चेंज करके आप अच्छे से एक्टिंग कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देख लेंगे यहाँ से मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया, तो आपको हार्दिक शर्मा की तरह क्लोज ट्रांजिशन वाली और वीडियो में आपको स्लो मोशन फास्ट मोशन वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है वीएन एप्लीकेशन। चलिए यहाँ से वीएन एप्लीकेशन को मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद नीचे आपको प्लस वाला आइकन पर ऐसे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। और सबसे पहले अपनी जो वीडियो शूट की है चार पार्ट में, अपनी सारी वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। देख लेंगे यहाँ से मैं चारों वीडियो को यहाँ मैं सेलेक्ट कर लिया। करने बाद इन चारों वीडियो को टाइमलाइन में यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ से देख लें टाइमलाइन में ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद सबसे पहले वीडियो का हम लोग साउंड यहाँ से पूरी तरह से चारों का ऐसे बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें साउंड है तो वीडियो बनाएंगे तो हम लोग को नॉइस आएगा। तो यहाँ से मैं प्रॉपर तरह से सारे का यहाँ पर साउंड यहाँ पर ऐसे मैं बंद कर देता हूँ। और बंद करने के बाद गाइस, आपको लास्ट पोजीशन में जाना होगा। यहाँ से बीएन एप्लीकेशन को वाटरमार्क दिखेगा आपको, इस पर ऐसे क्लिक करने के बाद इसका वाटरमार्क आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और सबसे पहले इसका रील की रेशियो में हमें बनाना है, तो जो ओरिजिनल का जो ऑप्शन ऊपर दिख रहा है आपको इस पर ऐसे क्लिक करके यहाँ से 9:16 रेशियो में ऐसे कर लेंगे कुछ इस तरह का, ऐसे हम लोग का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आएंगे, और आने के बाद हम लोग की जो जितना वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ जैसे हमारा ये कुछ यहाँ पर ऐसे मैं कर रहा हूँ एक्टिंग, इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग का पार्ट है यहाँ पर ऐसे वीडियो का। यहाँ से हमें क्या करना होगा, यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे और इस वाले पार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे हम लोग को हो जा रहा है यहाँ से। और करने के बाद जैसे मैं इस स्काइप को यहाँ से इस साइड ऐसे लेके जा रहा हूँ यहीं पर ऐसे इस तरह यहीं पर ले जाने के बाद इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा, और इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। तो अभी देख लेंगे कुछ इस तरह का मेरा पार्ट यहाँ पर आ गया स्काइप। इसके बाद हम लोग इसी साइड फिर से हम लोग लेके यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं यहीं पर ऐसे हम लोग। यहाँ पे मैं क्या करना है, इस पर क्लिक करके इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर लेंगे। और डिलीट करने के बाद देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे हम लोग का हो रहा है यहाँ पे। देख लेंगे कुछ यहाँ पे ऐसे हम लोग का यहाँ पे ऐसे हो रहा है यहीं पे। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ यहाँ से इस वाले पार्ट को। और हमें क्या करना होगा, बीच में एक हम लोग का यहाँ पर बच जा रहा है यहाँ पे, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग यहाँ पे स्लो मोशन लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा फास्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आपको स्लो मोशन लगाने के लिए यहाँ से मैं नीचे हल्का यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपको कुछ इस तरह का ऐसे आपको कर देना होगा हल्का यहाँ पे, मैं इतना ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे। देख लें कुछ इस तरह का ऐसे हम लोग की वीडियो में यहाँ से स्लो मोशन लग गई यहाँ पे ऐसे। फिर इसके बाद जैसे फिर मैं कपड़ा चेंज किया, और करने के बाद जैसे मैं फिर इस कैप को फिर से इस साइड ऐसे लेके आकर फेंकूँगा यहीं पे। सबसे पहले इस पर स्प्लिट करने के बाद इस वाले पार्ट को हम लोग डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद जैसे मैं इसे इधर लाने के बाद इधर ऐसे मैं फेंक दे रहा हूँ यहीं पर, होने के बाद इस पर हमें क्या करना होगा, कट लगाना होगा लेना होगा, और इस वाले पार्ट को हम लोग डिलीट कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोग की फाइनल जो बचती है यानी देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे करने बाद मैं इसको फेंक दे रहा हूँ, तो इसमें हम लोग लास्ट में यहाँ पे हम लोग यहाँ स्लो मोशन लगाएंगे। तो आपको यहाँ जो स्पीड का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको स्पीड वाले ऑप्शन पर जाना होगा, और आपको हल्का यहाँ पर ऐसे स्लो मोशन ऐसे आपको ऐड कर देना होगा कुछ इस तरह का ऐसे। करने के बाद गाइस आपको इस वाले पार्ट में आपको पीछे कुछ ऐसे जाना होगा, और जाने के बाद जैसे कुछ आप आगे आने के ऐसे एक्टिंग करेंगे कुछ यहाँ पर ऐसे। देख लेंगे कुछ यहाँ पर जैसे मैं आगे आने की एक्टिंग कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। और करने बाद देख लेंगे कुछ इस तरह आने के मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ, इसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो वाले ऑप्शन में चलेंगे, और इसको भी हम हल्का स्लो कर देंगे क्योंकि हमें स्लो मोशन ऐड करना है अपनी वीडियो में। यहाँ पर देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे हम लोग के वीडियो में यहाँ पे स्लो मोशन भी यहाँ पे ऐड हो गया हो जाएगा यहाँ पे देख लेंगे। तो आपको भी कुछ इस तरह का ऐसे आपको स्लो मोशन ऐड कर लेनी होगी, और यहाँ से आपको हल्का यहाँ से आपको फास्ट मोशन यहाँ पे ऐसे करना होगा। तो इस पर जाना होगा, फिर से आपको इस वाले ऑप्शन में जाना होगा, अब आपको हल्का यहाँ से फास्ट मोशन यहाँ पर ऐड कर देना होगा यहाँ पर देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे। तो अभी आपका जो वीडियो है कुछ इस तरह का ऐसे हो रहा है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर ऐसे हो रहा है, और होने के बाद जैसे आप यहाँ पर ऐसे हाथ मार रहे हैं यहीं पे, सबसे पहले हम लोग वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्टी है ला, तो हम लोग इस पर ही कुछ डिलीट कर लेंगे। और डिलीट करने के बाद जैसे मैं हाथ मार के यहाँ पर ऐसे बॉडी का ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ, इस पर स्प्लिट कर लेंगे, और इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पे स्लो मोशन कर देना होगा, क्योंकि जैसे इसको हम स्लो मोशन करते हैं तो हम लोग की जो
वीडियो रहेगी, एक नंबर की दिखेगी। और यहाँ से स्लो मोशन भी बहुत स्मूथ तरीके से हम लोग का दिखेगा। यहाँ से देख लेंगे कुछ इस तरह का, ऐसे हम लोग का यहाँ पे हो जा रहा है यहाँ पे ऐसे। तो आपको कुछ इस तरह का ऐसे करके यहाँ पे ऐसे आपको देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आपको क्या करना होगा, जैसे ये कोट वाली आ रही है यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। साथ ही गाइज यहाँ पर आप एक ऊपर वाली यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पर इसको क्या करना होगा, आपको यहाँ से इसको कट कर देना होगा, इस वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट कर लेना होगा। डिलीट करने बाद जैसे आप यहाँ पे इस तरह नीचे करते हैं, यहाँ पे आपके इस वाले पार्ट को इस पर क्लिक करने बाद इसको भी आप अच्छे से स्लो मोशन कर देंगे। देख लो कुछ यहाँ से मैं इसको अच्छे से यहाँ पे स्लो मोशन यहाँ से अच्छे ढंग से कर देता हूँ। यहाँ से इसको भी मैं यहाँ से नीचे अच्छे से कर देता हूँ। यहाँ से देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे देख लेंगे, यहाँ से करने बाद आप देख लेंगे हम लोग को प्रॉपर तरह से यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे जैसे मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करने बाद ऐसे करने बाद और सीधे नीचे ऐसे कर रहा हूँ, जैसे हम लोग को प्रॉपर तरह से ऐसे स्लो मोशन यहाँ पर ऐसे हो जा रहा है यहाँ पर। लास्ट में जैसे मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करने बाद इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। यहाँ से करने बाद हमें क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को हम लोग डिलीट कर लेंगे। सो गाइज अब जो हम लोग की वीडियो प्रॉपर तरह से ऐसे बन गई, तो एक बार आपको वीडियो फाइनल चला के दिखाऊँ। देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे मैंने स्लो मोशन इसमें ऐड किया, फास्ट मोशन ऐड किया, यहाँ से कैप से ऐसे ट्रांजिशन ऐसे कर रहा हूँ। और करने बाद जैसे मैं यहाँ पीछे फेंकने के बाद ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे हो गया। इसके बाद गाइज क्या करना होगा, हमें यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना होगा। तो म्यूजिक ऐड करने से पहले आप यहाँ से कोई ट्रांजिशन भी ऐड करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ से ट्रांजिशन ऐड करने के लिए यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चलेंगे और बहुत सारे आपको यहाँ पर ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ऐसे कोई भी ऐड कर ले। सो गाइस ट्रांजिशन ऐड करने के बाद हम लोग की वीडियो फाइनल बन के तैयार हो गई है। तो इसमें हम लोग का बचा है म्यूजिक ऐड करना। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ से आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके म्यूजिक वाले लोगों पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई रील का वीडियो उसका म्यूजिक निकालना चाहते हैं, तो एग्जस्ट फ्रॉम वीडियो का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर ऐसे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले वो रील की वीडियो यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर हार्दिक शर्मा वाली। और करने बाद आपको यहाँ से ऐसे कट कर देना होगा। करने बाद जैसे ओके पर ऐसे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये म्यूजिक ऑटोमेटिक निकल जाएगा और यहाँ से इसका वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो इसको आपको यूज करने के लिए यूज वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करने बाद सही वाले टिक पर ऐसे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ से इसका म्यूजिक भी यहाँ पर ऐड हो गया अच्छे से। इसके बाद गाइस अपनी वीडियो गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो ऊपर आपके एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है तीर वाला, आपको तीर वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके यहाँ से अपना रेस्यू मिलाने के बाद जैसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये वीडियो आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाए। सो गाइस आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके अल्प क्लिक कर दें। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।